चलो अब दूसरी बात पर आ रहा हूँ, सब मेरा साथ दोगे ना इंशाल्लाह? बिल्कुल पक्की बात है, इसमें बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत, आप लोग नाराज़ तो नहीं ना? आपको देर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं घर में? कुछ नहीं है? शादी हुई तुम्हारी? शादी हुई? बहुत हिम्मत वाले हो भाई। पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाल्लाह? एक पूरे यकीन के साथ बोलो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो, करने धरने वाला कौन? ये बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है कि बीवी का मिजाज बहुत गर्म है। देखो हंसने लगे, मतलब है प्रॉब्लम। बोले जब देखो जब कीट 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 कीट, हाँ जब देखो जब लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता भाई? यानी हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? मैं जानता हूँ ये औरत का दिमाग बहुत गर्म। हाँ अशरफुल बराबर ना, बहुत जोर से बोला, औरत का दिमाग बहुत गर्म। लेकिन एक बात बताओ, आप बुरा नहीं मानना, औरत का दिमाग गर्म बाद में होता है, हमारी आंखें पहले बहुत गर्म होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और मालूम है, एक मरतबा मैं आपको एक सही वाक्य सुनाता हूँ, भले आप हंसेंगे लेकिन वाक्य बिल्कुल सही है ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। हमारे यहाँ पे ना एक बहुत हमारा प्यारा दोस्त अशरफुल भाई, बहुत प्यारा दोस्त, उसका बड़ा कारोबार, बोलो अल्लाह बरकत देवे, बोलो आमीन, माशाल्लाह अल्लाह बरकत देवे। हाँ बड़ा कारोबार उनका। वो क्या हुआ मालूम, वो जब उनको पूरे साल का हिसाब किताब करना हो ना भाई, सुन रहे हैं ना आप लोग, बहुत बड़ा उनका कारोबार, लेकिन जब साल भर का उनको हिसाब किताब करना हो ना तो वो हिसाब किताब अपने घर में ला कर करे। वो क्या करता, अपने ऑफिस से कंप्यूटर भी लेके आता, लैपटॉप भी लेके आता, कैलकुलेटर भी लेके आता, और अपना मोबाइल भी लेकर आता, और अपना जो अकाउंटेंट है ना उसको भी साथ में बिठाता, और वो मतलब हिसाब किताब साथ में। अब एक मरतबा साल में एक मरतबा ऐसा घर में करता, अब वो घर में कंप्यूटर लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया, सब लेकर आया, सुनना बराबर, सब चीज़ लेकर आ गया। अब लाने के बाद उसने हिसाब किताब शुरू कर दिया। इतने में तो घर में आई कौन? अरे बीवी आएगी ना, और कौन आएगी बोलो ना? बीवी आई और आकर क्या आने लगी, क्या करते हो? आज नहीं, आज नहीं, बोला बोला आज बिल्कुल बात नहीं करना, बिल्कुल मैं हिसाब कर रहा हूँ साल भर का, टैक्स का मामला, इनकम टैक्स का मामला, सेल टैक्स का मामला, वो बेचने का मामला, खरीदने का मामला, बहुत ज्यादा टेंशन है। कहा बिल्कुल बिल्कुल मेरे से बात। बोलो बीवी को क्या कहा, मेरे से बात? लेकिन बीवी भी यहीं की होगी, साबरा वाबरा की होगी। क्या बोली मालूम है, मेरे को कोई बात नहीं करना, खाली इतना बताओ आप मुझे कितना प्यार करते हो। बीवी पूछ रही आप मुझे कितना। अब ये तो बेचारा थका हुआ था, बहुत बहुत करता जा, बहुत करता जा, जा, जा तू चाय बना, कॉफी बना, बहुत प्यार करता। और बीवी साबरा की थी कि ना मेरे को समझाओ कितना प्यार करते हो। उसने गुस्से में कहा, जितना लैला मजनू में प्यार नहीं ना उससे ज्यादा अपना प्यार है। लेकिन फिर भी बीवी मानी, बीवी मानी नहीं, बोली नहीं मेरे को बताओ ना कितना। लो बेटा मोबाइल दे, उसके पास मोबाइल था, ऐसा पड़ा हुआ था, मोबाइल उठाया, कहा ये क्या है? बीवी को पूछा, बोलो आप लोग भी बोलो ना क्या है। उसने कहा ये मोबाइल में हूँ, अंदर की जो सिम है ना सिम, वो तू है, अंदर जो चिप होती है ना सिम, बोला वो। और इतने अच्छे से बोला कि देख मोबाइल, खाली मोबाइल होगा तो कोई काम का नहीं, और सिर्फ सिम लेके कोई आदमी खड़ा होए तो भी काम का नहीं। तो कहा मैं मोबाइल, तू अंदर की सिम, मैं अकेला तो कोई काम का नहीं, तू अकेली तो कोई काम की नहीं। जैसा मोबाइल और सिम मिलता है तो काम आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारी भी मोहब्बत है। मैं तेरे बगैर अधूरा और तू मेरे बगैर। भाई बात तो सही बोला, बीवी इतनी खुश हो गई, साबरा की थी, खुश हो गई, खुश होकर बोलने लगी, आज मेरे को समझ में आया मेरा हस्बैंड कितनी मोहब्बत करता ये मोबाइल और मैं अंदर की, बोलो ना ये मोबाइल मैं अंदर की। ये बीवी बेचारी खुश होकर अंदर गया, क्या मेरा शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करता, वो मोबाइल बन गया, मेरे को सिम बनाया। जब वो अंदर किचन में गई तो ये अपने अकाउंटेंट को बोलता है, पगली है, चाइना का मोबाइल है, चार सिम लेके घूमता हूँ। देखो देखो अब कैसे समझ रहे हैं, सबको सिम याद आ रही है। ये मैंने आपका मूड फ्रेश कर दिया थोड़ा, लेकिन सब साथ में मेरा साथ दोगे, बोलो दोगे ना इंशाल्लाह? बोलो पहली बात हो गई, बोलो ला इलाहा, अभी भी पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर पूरा मजमा एक साथ में आ जाओ और एक आवाज में बोले मुस्तफा का दामन। नहीं दूसरी बात बहुत पक्के अंदाज में बोलो, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, मोहम्मद का दामन, कलीमुल्ला का दामन, हबीबुल्ला का दामन, सफीउल्ला का दामन, नजीउल्ला का दामन। साथ में बोलो मोहम्मद का दामन, मुस्तफा का दामन। क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसलिए कि हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी